हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। और आज के वीडियो में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानने वाले हैं। एन एनवायरनमेंट व्हिच इज मेड बाय मैन इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट मैन मेड है उसे कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। सेटलमेंट, ए सेटलमेंट मीन्स अ क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेज। अ सेटलमेंट इज द प्राइमरी रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक सेटलमेंट जो होता है वो ग्रुप ऑफ हाउसेस को कहते हैं, और एक सेटलमेंट जो होता है वो ह्यूमन सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ह्यूमन बीइंग्स लेड अ लाइफ ऑफ फूड गैदर्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो फूड को इकट्ठा करते थे और एक दूसरे जगह तक घूमते रहते थे फूड के तलाश में। दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट एंड हेंस लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। उन लोगों के पास कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, इसलिए वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब ये, जैसे कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने कोई भी अपने चीजों के साथ एक से दूसरी जगह जाते हैं फूड के तलाश में, उसे कहते हैं नोमैडिक पीपल। दे वेर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जैसे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को अभी नहीं पता था कि कैसे फार्मिंग करते हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। थस देयर सेटलमेंट्स वेर टेम्पोररी। इसलिए उनका जो सेटलमेंट था वो टेम्पोररी था। इन द पोस्ट स्टोन एज, पोस्ट स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग्स लर्नड द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। इस समय में ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग का आर्ट जान गए। ग्रेजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटल्ड लाइफ केम इनटू बीइंग। धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट था सेटल्ड लाइफ जीने का वो धीरे धीरे आने लगा। द सेल्टर्स वेयर बिल्ट नियर द एरियाज वेयर लैंड कुड बी कल्टिवेटेड फॉर टेम्पररी स्टे। वो उस तरह से सेल्टर बनाते थे जहाँ पे वैसे एरियाज में जहां पे लैंड जो थे वो कल्टीवेट हो सके टेम्पोररी स्टे के लिए। द सेटलमेंट्स कवर्ड विथ लीव्स। और वो वाला जो सेटलमेंट है वो लीव से कवर्ड रहे हैं। आफ्टर द स्टोन एज, स्टोन एज के बाद सेटलमेंट्स वेयर ऑक्यूपाइड सीजनली। Now human beings started changing their settlements with the change of season। और इस समय से human beings जो थे वो अपने settlements को season के साथ change करते थे। In those areas where climatic situations conditions were situable, the number of settlements was more and clustered। जहाँ पे climatic conditions अच्छे थे वहाँ पे ज़्यादा people रहते थे। The discoveries of fire, iron and wheels। The discoveries of fire, iron and wheel were big steps towards civilization। The discoveries of fire, iron or wheels, ये सब जो discoveries हुए वो civilization की तरफ बहुत बड़े step थे। The tool became more sophisticated and farmers started cultivating crops near the river banks like the Nile or Indus Valley। और जो tools थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे और farmers crops को वहीं cultivate करते थे जहाँ पे river banks हों, जैसे कि Nile या Indus Valley। With the time, human beings learned new ways of farming। समय के साथ human beings जो थे वो नए नए तरीके जान गए farming के। Now they started living a settled life as crop required constant care throughout the cropping period। और धीरे धीरे वो settled life जीना शुरू करिए, क्योंकि उनका जो crop था वो constant care, उसको बहुत ज़्यादा care चाहिए पूरे साल में। They were not required to wander in search of food and could afford to settle down in one place। वो अब food के तलाश में कभी इधर उधर नहीं घूमते थे और सेटल एक जगह पे हो सकते थे। हेंस द बिल्डिंग ऑफ परमानेंट शेल्टर्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द यूज ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर बिकेम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इस समय से परमानेंट हाउस बनने लगा, क्योंकि
वो अब टेम्पोरेरी स्टे के लिए नहीं थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालना और द यूज ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ. पहले के लोग जो थे वो पत्तियों से बनाते थे, तो उसके बाद जब स्टोन एज बीत गया तब वो अपने क्लोथ फाइबर से बनाते थे और ये सब उनके ह्यूमन लाइफ का पार्ट बन गया. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इफ यू गो थ्रू हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. फॉर एग्जाम्पल द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अगर हम पूरे हिस्ट्री में से जाएं तब देखेंगे कि ज्यादातर जो सिविलाइजेशन है वो रिवर वैलीज के आसपास में है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन. इवन टुडे वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स. और आज भी विलेज और टाउन्स की ग्रोथ के लिए जो वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. इन डेजर्ट एरियाज एज वेल द हाउसेज आर क्लस्टर्ड अराउंड द सोर्स ऑफ वाटर. दिस सोर्स मे बी अ वेल, पॉन्ड और एन ओसिस. एक डेजर्ट एरिया जो होता है वहां पे भी जो हाउसेज हैं वो सोर्स ऑफ वाटर के किनारे ही बसते हैं, या वो एक वेल भी हो सकता है, एक पॉन्ड भी हो सकता है और एन ओसिस भी हो सकता है. द सेटलमेंट्स दैट वेयर ग्रो अराउंड अ सोर्स ऑफ वाटर आर नोन एज वेट पॉइंट सेटलमेंट. जो सेटलमेंट्स वाटर के सोर्स के किनारे बसते हैं वाटर के तलाश में, उसे कहते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फोटो. रिलीफ फीचर्स. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सेटलमेंट. रिलीफ फीचर्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रदान करते हैं एक डेवलपमेंट के लिए, एक सेटलमेंट का डेवलपमेंट के लिए. प्लेन्स आर फेवरेबल लोकेशंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स. प्लेन्स जो है वो बहुत ही अच्छे जगह हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जा सकता है. और रिलीफ फीचर का मतलब यही है कि यहाँ पे आ जा सकता है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. और हिली एरियाज में ये सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही दूर दूर बसते हैं जगह. स्पेशल साइट्स. सम साइट्स आर चूजन फॉर द सेम सेटलमेंट बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी. कोई कोई जगह होते हैं जो सेटलमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वहां का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा है, इसे टूरिज्म बेस्ड टाउन्स कहते हैं. जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट इज द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक एक्ट है जिसमें पीपल या गुड्स को एक से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है. इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स पीपल नॉर्मली ट्रेवल्ड ऑन फुट. पहले के जमाने में जो पीपल थे वो पैर से ही ट्रेवल करते थे. दे यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई कैरिंग देम ऑन देयर बैक और हेड. वो अपने पीठ या सिर पर रख के अपना चीज एक से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील केम द बुलॉक कार्ट्स. व्हील के आविष्कार के बाद हुआ बुलॉक कार्ट्स आया. और विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैव ग्रोन रैपिडली. और जब आया साइंस और टेक्नोलॉजीज आया तो ट्रांसपोर्ट और भी अच्छा हो गया और कम्युनिकेशन भी. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस एंड एयरवेज. रोडवेज. इट इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज. रोडवेज जो है वो पैसेंजर्स और गुड्स को छोटे छोटे डिस्टेंसेज तक ट्रेवल करने के लिए होता है. रोडवेज आर द स्विफ्ट एंड इफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच प्रोवाइड डोर टू डोर फैसिलिटीज. रोडवेज जो है वो आपके घर के सामने भी छोड़ सकते हैं. Roads help in the transportation of perishable items like fruits and vegetables to distant markets with a speedy movement. Roadways जो है वो bike से जाएं या car से जाएं तो वो fruits और vegetables को अपने घर तक पहुंचा जा सकते हैं, वो भी speedy movement के साथ. Construction and maintenance of roads is cheaper as compared to other means of transport. दूसरे means of transport से ये बहुत ही cheaper है इसके roads का maintenance और construction.
In hilly areas, road transport plays an important role as other means of transport are not either not possible or are very expensive. Hilly areas में road transport जो है वो बहुत ही important role play करता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ship आ नहीं सकता है और कोई भी चीज नहीं आ सकती है या अगर आएगी तो वो बहुत ही expensive होगी. A well-developed road transport system reduces the social, political and economic distances among the people of different cultural backgrounds. एक जो well-developed road system होता है, वो social, political और economic distances जो people के बीच में होता है, वो सबको खत्म कर देता है. Railway, it is virtually called the lifeline of a country. Railways को हम lifeline of a country भी कहते हैं. It is used for the movement of bulky goods and large number of passengers for long distances. ये बहुत सारे सामानों और बहुत सारे passengers को long distances तक पहुंचाता है. It brings people closer to the farthest corner of the country. ये सब people को, सारे people जो हैं एक country में, उसको साथ में इकट्ठा कर देता है, जो कि हर जगह रह रहे हैं एक country में, सबसे corner पे, farthest corner पे. As the long distances are difficult to travel by road, railways provide the most comfortable and less expensive means of transport. जो long distances हैं, वो road से travel करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर railways से करें, तो वो comfortable भी है और less expensive है. Earlier, trains were run by with coal engines, but now they are run by diesel and electrical engines. पहले के जमाने में coal engine से train चलाए जाते थे, लेकिन अब ये डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन से चलते हैं. द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हैज रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड पोल्यूशन एंड हैज हेल्प्ड इन कैरिंग लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रेन्स हैं, उसका ये फायदा है कि पोल्यूशन भी कम हो गया और ज्यादा लोगों को एक दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है. विद द एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग ट्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस has been introduced. Advancement of technologies के साथ fast moving trains like Rajdhani और Shatabdi Express भी introduced हुआ है. Also, for the local movement of people over shorter distances, railways such as metro in Kolkata, Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur and Chennai are very popular. Local movement जो कि people को shorter distances तक पहुंचाता है, रेलवेज सच एज मेट्रो कोलकाता में, दिल्ली में और बहुत सारी जगहों पे है और ये भी पॉपुलर है. एयरवेज, इट इज द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव. एयरवेज जो है वो सबसे लेटेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और एक्सपेंसिव थोड़ा सा है. एयरवेज हैज इन अ वे रिड्यूस्ड डिस्टेंसेज एंड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू वन यूनिट. एयरवेज जो है वो डिस्टेंसेज को छोटा कर दिया है और पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट बना दिया है. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हाईली सिचुएबल फॉर दोज एरियाज वेयर रेलवेज एंड रोडवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन. ये जो ट्रांसपोर्ट है वो उस जगहों के लिए है जहाँ पे रेलवेज और रोडवेज नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकते क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट टेरेन है. Waterways, it is the cheapest mode of transportation for heavy and bulky goods. Waterways जो है, वो cheapest mode of transportation है for heavy और bulky goods के लिए. Heavy और bulky goods के लिए सबसे cheapest mode है. Waterways are very beneficial for those countries which are located near the river banks, navigable canals or the coast. Waterways उन countries के लिए ज़्यादा beneficial है जो river banks और navigable canals के पास हैं. Nowadays, large and mechanized ships are occupied with all modern facilities. और आज के ज़माने में बहुत बड़े और mechanized ships हैं जिसमें बहुत सारे modern facilities भी हैं. They can transport hundreds of people and vast amount of goods from one country to another. ये बहुत सारे लोगों को transport कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों को एक country से दूसरे country तक. That is why they are known as floating towns. इसलिए ये floating towns के नाम से जाने जाते हैं. Pipelines, it is the most recent mode of transport. ये जो है ये सबसे
जल्दी ही जल्दी में आया है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट है. द पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैसेस. ये लिक्विड और गैसेस फॉर मटेरियल्स को एक से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मिनरल ऑयल, वाटर और नेचुरल गैस. सॉलिड्स इन स्लरी फॉर्म, जैसे कि सॉलिड्स को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाता है एक से दूसरी जगह तक, जैसे कि HBJ, हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन. दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स थ्रू 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ये सब जो पाइपलाइन है वो 4 स्टेट इंडिया के में हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यूज, अपने आइडियाज और व्यूज को शेयर करना एक दूसरे के साथ, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन. इट कैन बी एट पर्सनल एज वेल एज मास लेवल. ये पर्सनल भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के बीच भी हो सकता है. कम्युनिकेशन नेटवर्क हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड आइडियाज विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर जगह तक पहुंच सकते हैं, और इसको करने के लिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप्स एंड यूनिटी. ये रिलेशनशिप्स और यूनिटी, सोशल रिलेशनशिप्स और यूनिटी को डेवलप करते हैं. ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा, द मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन सच एज टीवी एंड रेडियो फ्लैश न्यूज, सो दैट रिलीफ कैन बी रश्ड टू द स्पॉट इमीडिएटली. ये जो है, ये नेचुरल कैलामिटीज जैसे बाढ़ या कोई भी तरह के नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी लोगों को पता चल सकता है कि यहाँ पे होने वाला है. इन ओल्डन टाइम्स पिजन्स वेयर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस. पहले के जमाने में पिजन्स को यूज किया जाता था एक दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाने के लिए. देन द सर्विसेज लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राम, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एक्सेट्रा वेयर डेवलप्ड. और उसके बाद जो सर्विसेज हैं जैसे पोस्ट, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एक्सेट्रा जो थे वो आए. टुडे सैटेलाइट इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. इट प्रोवाइड्स टेलीविजन सर्विसेज इवन इन द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री. जो सैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन करने के लिए पूरे वर्ल्ड भर में, और टेलीविजन सर्विसेज पूरे रिमोट एरियाज में है, कहीं भी कंट्री के कोई भी जगह पे है. कंप्यूटर इज येट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन. कंप्यूटर एक और इन्वेंशन है, बड़े इन्वेंशन जो कि मैन के द्वारा बने हैं. इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंटरनेट, सीडीज, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप, पाम टॉप एक्सेट्रा. ये कम्युनिकेशन को बहुत ही रिवोल्यूशनाइज कर दिए हैं, ईमेल से, इंटरनेट से, सीडीज, पेन ड्राइव, लैपटॉप, फॉर्म टॉप एक्सेट्रा से. वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर वर्ल्ड व्हाइल सिटिंग एट होम एंड यूजिंग कंप्यूटर. कंप्यूटर से यूज करके हम अपने घर पे बैठकर पूरे दुनिया की जानकारी ले सकते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.